हाँ हेलो। हाँ भाई सारे बोधमोस से सैंपल हो जाए भाई मालवीय नगर में भाई सारे बोधमोस। अरे मैं पूछो क्या हो गया, बहुत बड़ी फिल्म हो चुकी है। तो गाइस अभी बहुत बड़ा कलेश हो गया है। आप सारे बोधमोस चाहिए मुझे मालवीय नगर के अंदर, जल्दी भाई जल्दी। मैं भाई साहब आजकल मुझे लग रहा है बंदों को अपनी जान और प्यारी नहीं है क्या, ये मतलब बोधमोस छोरे के साथ स्कैम कर रहे बंदे। भाई बोधमोस छोरे के साथ कैसे स्कैम कर सकते हैं? स्कैम कर दिया मेरे साथ कुटी वाले ने। भाई देखो मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट देता हूँ कि आखिर गोलभ भाई के साथ आखिर हुआ क्या। भाई देखो जो अपने गोलभ बोधमोस भाई है ना, वो रात को जा रहे थे अपनी फ्रेंड के साथ प्रैंक करने अपनी स्कूटी पे। स्कूटी क्या है, मैं गया था राध्या के पास, वो जो प्रैंक करने गया था जोन चिपका, तो वहाँ पहुंचते ही ना मेरी स्कूटी बंद हो गई थी और रात को हो गई गोलभ भाई की स्कूटी खराब। भाई गोलभ भाई ने रात को खड़ी कर दी मैकेनिक पे। गोलभ भाई को अगले दिन जाना था जैसलमेर, फिर गोलभ भाई ने अपने पिताजी को बोल दिया कि भाई मेरी स्कूटी ठीक करा देना, और स्कूटी में आ गया 1500 रुपए का खर्चा। भाई गोलभ भाई के पिताजी ने गोलभ भाई को फोन घुमा दिया भाई साहब कि भाई 1500 रुपए दे दियो मेरे। पापा ने फोन करा भाई 1500 रुपए का काम हुआ। मैंने कहा क्या क्या काम हुआ है? फिर क्या है भाई, तुम्हें तो पता ही अपने गोलभ जो भाई है वो है बोधमाश, उनका दिमाग थोड़ा गर्म ही रहता है। भाई गोलभ भाई के 1500 सुनते ही हो गया भाई दिमाग खराब। फिर क्या था भाई, गोलभ भाई ने सीधा एक नंबर की बस पकड़ी जैसलमेर से दिल्ली की अपने 1500 रुपए रेस्क्यू करने के लिए। डैडी को वही बोला मैंने, आपने क्यों दिया उसको पैसे, आपने मेरे को बताया? भाई देखो मैं बताता हूँ कि सीन क्या हुआ होगा। गोलभ भाई को इस चीज से गुस्सा नहीं आया कि उस बंदे ने गोलभ भाई की स्कूटी ठीक करने के 1500 रुपए ले लिए। गोलभ भाई को गुस्सा इसलिए आया कि भाई उस बंदे ने स्कूटी ठीक करने के लिए गोलभ भाई से पैसे मांग कैसे लिए। गोलभ भाई को तो आदत है नहीं पैसे देने की, गोलभ भाई तो इन्फ्लुएंसर है यार। भाई यार गोलभ भाई दाल फ्री में खाते, तुम गोलभ भाई स्कूटी ठीक करने के पैसे लोगे? कोई तरीका वरीका है या नहीं है तुम्हारे अंदर, दिमाग मांगनी है क्या? भाई ने लॉक डाला है 800 रुपए का, वो भी लॉक कर। तो ये बताओ स्पार्क का कंपनी का लॉक डाला है भाई, कह रहा है ओरिजिनल है। देखो अनाड़ी समझ रहे हो, मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ मेरे भाई। भाई नाड़ी समझ रहे हो तुम गोलभ भाई को? भाई गोलभ भाई ना यूट्यूब पे आने से पहले इसी दुकान में पंचर लगाया करते थे। कैमरे में लॉक के बिना वायरिंग कट गई है, सामने से बना लॉक से स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही, लॉक से सब हो गया है। और मैं जब चला रहा हूँ 8 महीने से, लॉक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई मेरे। भाई वो बंदा इसको बोल बोल के थक गया कि भाई आपका लॉक शॉर्ट हो गया, आपके लॉक के पैसे लिए है, लेकिन ये बंदा भाई अपना ही लगा पड़ा है। लॉक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई मेरे। भाई ये सही है भाई, कल को मेरी भी बाइक का टायर घिसने वाला होगा ना, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बाइक के टायर में तेज तेज चाकू मार मार के पूरा टायर फाड़ दूंगा। और उसके बाद जाऊंगा भाई टायर वाले की दुकान पे, बोलूंगा भाई टायर चेंज कर दे, बढ़िया से लगा दे ब्रांडेड, ठीक है। और फिर अगले दिन जाऊंगा और जब मेरे से पैसे मांगेंगे ना टायर के, तो मैं पता क्या बोलूंगा, भैया आपके 3500 रुपए हो गए। 3500 रुपए किस चीज के भाई? भाई वो आपने टायर फाड़ा। ओह भाई अच्छा, अब टायर भी फट गया भाई, अब टायर भी चेंज हो गया भाई। भाई एकदम ठीक थी भाई मेरी बाइक, ठीक है ना? भाई नाड़ी बनाड़ी समझाए क्या? ये वोट नहीं आता भाई, चेक हमें तो भाई जैसा था वैसे करके दे दो। मैं कैसे औरतों की तरह बहस करने में लगा हुआ भाई, ये बंदा वो बंदा बोल भी रहा है भाई अपना लॉक चेक करा ले। सही था तो भाई जाके चेक करा लेना, अगर तेरा लॉक सही होगा तो बहस भी करियो आके। और ये क्या कैस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है क्या, अलग अलग एंगलों से वीडियो शूटिंग हो रही है? मतलब ऐसा लग रहा है भाई उस मैकेनिक ने इस बंदे के घर का कोहिनूर हीरा चुरा लिया भाई, इतना तगड़ा स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, चार बंदे लेके आया वीडियो बनवाने के लिए। पैसे दे दो मेरे, झंझट खत्म, कंपनी से करा लूंगा 1500 रुपए में भाई, कंपनी 3 बार ही ठीक कर देगी। 700 रुपए में तो पूरी सर्विस हो जावे यार। ओरे भाई साहब 700 रुपए में सर्विस हो जावे है भाई, सर्विस हो जावे है। अब तो भाई बंदों को 1500 रुपए वापस करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि अब गोलभ भाई ने जाटी मोड ऑन कर लिया अपना। बदलने के भी चार्ज ऐसे नहीं होता। भाई एक तो ये ब्लर इतना बढ़िया लगा रखा ना गोलभ भाई ने उस बंदे के मुंह पे भाई, मतलब इतना एक्यूरेट कति स्वाद आ गया, कितना बढ़िया जा रहा है, मजा ही आ गया। और भाई तुम्हें क्या लग रहा था कि मिस्टर बीस की टक्कर कोई बंदा नहीं है अपने भारत में? गौरव जोन का नाम सुना है तुमने? नहीं भाई, पल्सर बाइक गिव अवे कर देता है अपने सब्सक्राइबर्स को। मतलब आज पहली बार मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं गोलभ भाई का सब्सक्राइबर क्यों नहीं हूं। लेके अपन आज पल्सर ठीक कराएंगे और देखते हैं कि कैसी होगी अपनी पल्सर, और फिर उसको सेलिंग के लिए लगाएंगे। एक मिनट किसके लिए लगाएंगे? फिर उसको सेलिंग के लिए लगाएंगे। भाई गोलभ भाई थोड़े दिमाग से तुम चोंदे हो क्या? मतलब यार तुमने अपने जिगर के छल्लो गरम करके ठंडा ही छोड़ दिया। मैं भाई गिव अवे का मतलब होता है फ्री में देना, ना कि सेलिंग पे लगाई है। ए रहा अपना पोटा कले जी, बंदी आ गई भाई दिया। तो भाई इतनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा यहाँ खड़ा होके। गौरव जोन का वेट तो भाई 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है। अच्छा गोलभ भाई क्या इंटरनेशनली भी किसी के पैसे वैसे मारे क्या तुमने, और कहाँ कहाँ पे चोरी डकैतियां कर करके आए हो? और भाई देखो वैसे कुछ भी, देखो 12 मुल्कों की पुलिस का तो नहीं पता, लेकिन अपने मुल्क की पुलिस ने तो तुम्हारी बक्की फैल कर दी थी। क्या हुआ तुम्हारा? कौन था ये सब्सक्राइबर था क्या? भाई भले ही वो बंदा ना इन दोनों को कूड़े वाला समझ के आवाज मार रहा हूँ, लेकिन भाई इन दोनों का अपना लगी सुहा है कि भाई सब्सक्राइबर है, भाई सारे सब्सक्राइबर है। मतलब भाई मैं सही बता रहा हूँ कि कोई बंदा इससे रास्ते में चलते फिरते गलती से आई कांटेक्ट भी कर लेना, ये बंदा उसको भी सब्सक्राइबर बता देता होगा। भैया कह रहे, अरे भैया सब्सक्राइबर है भैया, फोटो खिंचा लो। अरे है क्या ये, छी काली पन्नी का है भाई, कोई काली पन्नी डालो उसके ऊपर। ऐसे सब्सक्राइबर गोलभ भाई के ही हो सकते हैं। देखो देखो अंकल जी मोबाइल में लगे लगे घुस रहे हैं स्कूटी में। भाई बंदा खुद एक हाथ से अपनी स्कूटी चला रहा है और एक हाथ में कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग कर रहा है, और अंकल को पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई साहब मोबाइल में घुसे घुसे स्कूटी में घुसे जा रहे हैं। अब थूतड़ अपने आप को तो देख ले। मैं आ गया हूँ भाई रब्बू वॉशिंग सेंटर में।
भाई ये बंदा उस टाइम उस मैकेनिक से इतनी बहस कर रहा था कि भाई मेरी स्कूटी हर टाइम कंपनी में जाती है भाई, भाई कंपनी में ही सर्विस होती है भाई, आज पहली बार गलती से तेरे पास आ गई भाई। इतनी कंपनी से आती है आज तक कंपनी वालों ने नहीं बोला। और इधर देख लो रब्बू वॉशिंग सेंटर के पास आ गए जी हम तो, रब्बू वॉशिंग सेंटर ये चल रहा है पूरा हैंडल पूरा भाई, जैसे मैंने बताया था ये दूसरी बार टूटा हैंडल। भाई कैसी बाइक लेता है बंदा, कभी तो इस बंदे की बाइकों के क्लच बाहर आ जाते चलते चलते, कभी इसके हैंडल टूट जाते हैं, फिर इनको आना पड़ता है रब्बू भाई के पास। मैं एक स्कूल का बच्चा दिखाओ, कौन से स्कूल का भाई, जरा साइड में आ जा। तो ये कौन है, ये यहाँ से टूट चुका है, किसने क्रैश कर दिया था, अगली बार अब ये ठीक कितने दिन में कर देगा तू ये बता, फिर उड़ाएंगे इसके यूट्यूब व्लॉग बनाएंगे। ठीक है भाई इसको ठीक कर, आकाश भाई इसका नंबर ले और फिर मैं तेरे को फोन कर रहा हूँ, यूट्यूब व्लॉग बनाएंगे। एक तो भाई इस बंदे ने सड़क पर जाते हुए रैंडम बच्चे को पकड़ लिया, और उसके बाद ये बंदा बात उससे ऐसे कर रहा है जैसे कि इसके घर का पुश्तैनी नौकर लग रहा हो, कि ओए इधर आओ साइड में खड़ा हो, ओए कितने दिन में बना देगा, ओए चल चल ठीक है नंबर दे अपना तेरा व्लॉग बनाएंगे। ठीक है भाई मैं पक्का दावे से कह सकता हूँ कि जब गोला भाई ने से बोला था ना कि भाई व्लॉग बनाएंगे, उसी दिन इस बंदे ने अपने घर जाके अपने सारे कपड़े वपड़े पैक करके भाई शहर छोड़ दिया होगा, तभी तो व्लॉग नहीं आया गोला भाई के चैनल पे। ये भैया देसी डेन मिल्जेरियन पूरा मार रहा है एकदम, वो भी हाई रहता भाई भी जिंदगी में हाई रहते अपनी। बस गोला भाई ज्यादा मजे मार लो, नहीं तो देसी डेन मिल्जेरियन भाई ना तुम्हारे मुंह पे ऐसा पोछा देके मारेंगे ना कि तुम भी हाई हो जाओगे। इसका थोथड़ा भी ऐसी रगड़ दो, साइन चाहिए मेरे को इसके फेस में, साइन चाहिए, लाओ भाई प्रेशर मशीन लाओ। गोला भाई देखो उसके थोतड़े पे तो मशीन भी फेल हो जाएगी, लेकिन एक चीज है इस पे देसी डेन मिल्जेरियन भाई शाइन ला सकते हैं अभी के अभी, आपकी टांट पे भाई यही मौका है गोला भाई, लगे आ तो रब्बू भाई से अपनी टांट पे शाइन लगवा लो भाई, कती जेन्युइन लगोगे सही बता रहा हूँ। इस पे ये मार देंगे ऐसे ऐसे करके कपड़ा मार देंगे ड्राई पॉलिश। दिखाइयो बहन तो ना गोला भाई, पॉलिश काली पड़ जाएगी। ओ भाई तुम हंस कैसे रहे हो भाई, भाई पॉलिश काली पड़ जाती है यार इंसानों पे लगाने के लिए थोड़ी ना, वो बाइक पे लगाने के लिए, मतलब मेरे भी लगाओगे तो काली पड़ जाएगी यार, ये जरूरी नहीं है कि आकाश भाई पे काली पड़ेगी यार। वैसे ही बंदा हैरास तो करता है यार अपने आकाश बाबू को यार, मतलब यार कभी बंदा कह रहा है कि इसके थोथड़े पे भाई प्रेशर वाली मशीन लगा दो, कभी ये बंदा इसके ऊपर ड्राई पॉलिश मार रहा है, मुझे अब लग रहा है कि आकाश भाई का वो जो एक्सपोज था ना भाई वो रियल था भाई सच में। तो अभी भाई हमारी बाइक होगी यार, जितने भी हम काम धुलवाते हैं तो हम रब्बू वॉशिंग सेंटर से करवाते हैं सर। लो भाई इस बंदे ने 100 रुपए की वॉशिंग के लिए भी भाई प्रमोशन कर दिया भाई, मतलब यार 100 रुपए तक तो देता नहीं है बंदा, और वो बंदा इससे 1500 मांग रहा था बताओ। स्कूटी है देखो, अभी इसके सिनेमैटिक है बाहर जाके बनाएंगे अपन भाई। बस सही बता रहा हूँ, जिस दिन मैं अपनी जिंदगी में ना गोला भाई की वेली ऑडियंस इतना इतना खाली हो जाऊंगा ना कि घर पे बैठ के गोला भाई की स्कूटी के सिनेमैटिक शॉट देखूं भाई, उस दिन मैं अपने आप को सफल मान लूंगा। अब ये बाइक हमारी परफेक्ट बन चुकी है। नहीं हाँ भाई इसकी बाइक बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, भले इसकी बाइक की आगे से टाट खुली हो लेकिन भाई परफेक्ट बन चुकी है इसकी बाइक। तो गाइस अपनी बाइक हो गई अब बिल्कुल परफेक्ट, मम्मी को सरप्राइज करते हैं कि कैसी लगी, अभी नहीं बताया भाई। ओहो भाई आजकल क्या बाइक वाइक धुलवाने से भी लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्या, सही है भाई, मतलब गोला बाइक है यार, ऊपर से इस बंदे की एक्टिंग देखो यार, अरे बताया नहीं तुमने, ये तो बहुत ज्यादा तगड़ी बात थी ना बताने के लिए कि मम्मी बाइक धुलवाने जा रहा हूँ। ऐसा मम्मी मेरी बाइक हो गई है, बन गई है ये, अपनी पल्सर ठीक हो गई बिल्कुल, ब्रांड न्यू जैसी हो गई है। हाँ भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक ऐसी तो देते शोरूम वाले तुम्हें। चलिए आज आकाश आजा डैडी से मजे लेते हैं एक और बारी। क्या हुआ, मैं गाड़ी ले रहा हूँ यार, 25 लाख का लोन हो रहा है, वो आपके नाम पे करा कर, मैं अपना डैडी मेरे को वैगनार दे रहे ना, कह रहे तेरे नाम पे लोन कराऊंगा भाई, क्या करें भाई तेरे नाम पे ले लूं। ओह भाई एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है बंदा कूदने की, पहले ये तो बता दे भाई तेरी शक्ल देख के 25 लाख रुपए देगा कौन तेरे को। भाई तुम्हारे जैसे मेरे जैसे छोटे मोटे लोग तो यही देख के हैरान हो गए ना अभी तक कि गोला भाई पल्सर का गिव अवे कर देते, लेकिन भाई इसके बाद जो मैंने देखा ना भाई साहब मेरे तो होठ भी कांप गए भाई वो टाइटल पढ़ते हुए, फाइनली 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी गिफ्ट दे दी माय मिस आनंद को, सिस्टम पार दिया लड़ने में, पार दिया सिस्टम पार दिया। भाई आज तुम्हें पता चला कि हमारे गोला भाई कितने जमीन के पोछे की तरह डाउन टू अर्थ है भाई, लाडला खुद 15 लाख की गाड़ी चलाता है लेकिन 6 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट में दे देता है भाई, भाई इतना डाउन टू अर्थ बनना है तुम अपनी लाइफ में, लेकिन तुम तो ऐसे बंदे हो भाई तुम गूगल पे के स्क्रैच कार्ड में 5 रुपए जीतो तुम एटीट्यूड दिखाने लग जाते हो अपने दोस्तों को। ओए होए भाई बड़े दिनों बाद दर्शन हुए भाई चमकीले गोला भाई के, लास्ट टाइम तो तभी दर्शन हुए थे जब गोला भाई ने अपने थाईलैंड की लाइटें गिनवाई थी हमें, और जितनी भी ये लाइटें इंडिया में पहली थारे इसमें बॉक्स ऑफिस, मतलब भाई लुक देख के भाई चल रहा है भाई लाडला किसी को 6 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा है। सब्सक्राइब कर गौरव अंकल के यार, गौरव अंकल के यार, अंकल बोल रही है यार ये शादी भी नहीं हुई है मेरी, गौरव अंकल गोला भाई क्या फायदा होगा इस पीली टोपी का जो लड़की तुम्हें अंकल ही बोल देती है, इससे तो टोपी उतार के चला करो ना। 24 आवर्स लिविंग इन थार चैलेंज, स्लीपिंग डिनर बाथ ब्रश टॉयलेट, ये रहा हमारा हगीज और इसको पहनते हैं अपन, हल्का सा दिखा था। माँ मेरी आंखें जल रही है, माँ माँ मेरी आंखें जल रही है, क्या देख लिया मैंने माँ।
ये तो मैं अनदेखा भी नहीं कर सकता भाई। जो मैंने अभी मंजर देखा है ना भाई, मैं तुम सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं इसके आगे ना कुछ भी नहीं देखना चाहता यार। मतलब मेरी आंखें भी जल चुकी है थोड़ी थोड़ी, मतलब झुलस चुकी है मेरी आंखें। मैं नहीं देख पाऊंगा यार। मतलब आज की वीडियो में इतना ही।